सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। कोबरा कांड में फंसकर जेल जाने और फिर वहां से वापस आने के बाद भी यूट्यूबर एल्विश की मुश्किलों का अंत नहीं हुआ है। जी हाँ, सांपों की जहर की तस्करी और पार्टी के मामले में अब नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट को यूट्यूबर एल्विश समेत 8 लोगों के खिलाफ दाखिल कर लिया गया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इन सभी आरोपों के प्रमाण इस चार्जशीट में उपलब्ध कराए गए हैं। एल्विश समेत अन्य के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने यह भी कहा है कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सफेरों से संपर्क था। आरोपी सांपों की खरीद फरोख्त के काले धंधे में शामिल था। एल्विश को कोबरा कांड केस में 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि वो पार्टीज में सांप के जहर को सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, एल्विश पर ड्रग्स फाइनेंस करने का भी इल्जाम लगाया गया। नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आदेश अनुसार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बताया गया था कि पुलिस संघ पूछताछ में एल्विश ने कबूल किया था कि वो सांपों की सप्लाई किया करते थे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चलें कि 5 दिन जेल में बिताने के बाद 22 मार्च को एल्विश को जमानत मिल गई थी। यूट्यूबर की जमानत पर NDPS की लोअर कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। हालांकि उन्हें एक रात और जेल में ही बितानी पड़ी। 6 दिन जेल में काटने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश को गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया था। यहां यूट्यूबर सागर ठाकुर संग लड़ाई के मामले पर उनका बयान लिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया था। जी हाँ, अभी तक ये मामला पूरे तरीके से शांत नहीं हुआ है, ऐसी खबरें हैं। और साथ ही साथ ये जो 1200 पन्नों की चार्जशीट है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। नोएडा पुलिस के इस बयान के बाद अब देखना होगा कि एल्विश यादव के इस केस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप इंटरनेट न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।